नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से आ रही है, जहां पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जिला कार्य समिति की बैठक 5 अगस्त को होने वाली है, तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। वहीं दमोह के बीजेपी प्रभारी अभिलाष पांडे भी इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। संपूर्ण दिन में दमोह बीजेपी कार्यालय में बताएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष बने प्रीतम सिंह लोधी को लगभग 13 माह का कार्यकाल बीत गया है, जिसके बाद उनके द्वारा कार्यकारिणी घोषित की गई है। उनके कहना है कि नई कार्यकारिणी लगातार मैदान में रहेगी और इससे उन्हें निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। वहीं पूर्व मंत्री के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि नहीं रहे, और कौन कौन जनप्रतिनिधि नहीं रहा ये भी आपको सुनाते हैं। और उस व्यवस्था के तहत कल का दिनक्रम जो हमारा बना है, सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पंजीयन और स्वल्पाहार के साथ हमारा उद्घाटन सत्र 11 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसे सभी लोग मंचासीन रहेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति है, वो सभी उस कार्य समिति में शामिल होने वाले हैं, जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और हमारे विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्य, ऐसे लगभग 100 लोगों की कार्य समिति होने वाली है। ऐसी अपेक्षा है कि सभी लोग इस कार्य समिति में पधारेंगे और निश्चित ही आज से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नई पारी की जो शुरुआत होगी, एक धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। निश्चित ही आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, ऐसा आपसे अपेक्षा है। पूर्व में जिस तरह के नतीजे आए थे, क्या लगता है पूरी नई कार्यकारिणी के साथ मैदान में उतरेंगे तो नतीजे में परिवर्तन होगा? निश्चित ही यदि चुनाव के पूर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का गठन हो जाता तो कुछ दूसरे ही नतीजे होते, क्योंकि हमारी जो युवा कार्यकारिणी बनी है वो सभी उत्साह और जोश के साथ लगती, तो निश्चित ही जो परिणाम आए हैं उसके विपरीत परिणाम आते। युवाओं को ज़्यादा आपने मौका दिया है, तो क्या माना जाए आगामी चुनाव में भी युवा सबसे ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर और जिला स्तर तक युवाओं को अवसर दे रही है। जब मुझे युवा मोर्चा से सीधा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया था, तो निश्चित ही हमारे प्रदेश नेतृत्व की ऐसी मंशा रही होगी कि सभी युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और एक उत्साह और जोश के साथ काम करें। मंडल अध्यक्षों ने जो काम किया था विधानसभा चुनाव में, पार्टी के विपरीत काम किया था, क्या माना गया जल्दी वापसी हो सकती है? ये प्रदेश नेतृत्व के पास निर्णय पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका निष्कासन अब प्रदेश नेतृत्व से होगा या वापसी होगी ये प्रदेश नेतृत्व को तय करना है। ये तो जो अभी फ्लेक्स लगा है कल की कार्य समिति का, तो कल की कार्य समिति में हमारे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उन सभी की फोटो लगी है। आपने पहले देखा होगा कि जब तक हमारे जयंत मलैया जनप्रतिनिधि रहे उनकी फोटो लगती रही, हमारी मालती असाटी नगर पालिका के अध्यक्ष थी उनकी भी फोटो लगती थी, हमारे पथरिया विधायक लखन पटेल थे उनकी भी फोटो लगती थी। लेकिन अभी वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उनकी फोटो नहीं लगी है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया।